तो कौन आपका वीजा रिजेक्ट करेगा मेरे दोस्त, मुझे बता दो। कनाडा के टूरिस्ट वीजा का आई कैन प्राउडली से कि हमारी कंपनी का रेशियो मोर देन 95% है। 95% से ज्यादा हमारे कनाडा के विजिट वीजा अप्रूव होते हैं। आप में से भी काफी लोगों का कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई वीजा रिजेक्ट हुआ ही होगा, या तो वो आपने खुद से ट्राई किया होगा अप्लाई करने के लिए, या फिर कोई गलत एजेंट के पास आप चले गए होंगे, वहां पे आपने कोशिश की होगी अप्लाई करने की और आपका वीजा रिजेक्ट हो गया होगा। और रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है, हम हो जाते हैं डिसअपॉइंट कि यार अब क्या करें, अब क्या सॉल्यूशन होगा, मेरा तो वीजा ही रिजेक्ट हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर आपके माइंड में हजारों सवाल आ जाते हैं कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कि मुझे अब ऐसा क्या करना चाहिए कि फिर से मेरा वीजा रिजेक्ट ना हो। एम आई राइट, करेक्ट? और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं, वी एज अकीरा टूरिज्म, हमारे पास इतने कमेंट मैसेजेस आते हैं, काफी लोगों के हम डेली बेसिस पे वीजा अप्लाई करते हैं, ये तो आप जानते ही हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं उनमें सबसे नंबर वन क्वेश्चन होता है कि योगेश भाई हमारा कनाडा का वीजा रिजेक्ट हो गया है, हमने अप्लाई किया था, हमको रिजेक्शन कॉपी आ गई है, अब हम क्या करें। तो दोस्तों स्ट्रेट टू द पॉइंट आके आपको मैं आज के वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से वो रीजंस होते हैं, मैं आपको टॉप 3 रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से ही आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है कनाडा का, उसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, मजेदार होने वाला है, वीडियो का पूरा देखना, स्किप मत करना, बिकॉज हो सकता है अगर आप भी प्लान कर रहे हो कनाडा जाने के लिए, कनाडा का विजिट वीजा लगाने के लिए, सो दिस वीडियो कैन बी यूजफुल फॉर योरसेल्फ। तो आज के वीडियो में 3 रीजन मैं आपको बताऊंगा, टॉप 3 रीजन जिनकी वजह से आपका भी कनाडा का वीजा रिजेक्ट हो सकता है फ्यूचर में। और अगर आपको चाहिए आपके कनाडा वीजा के रिजेक्शन के चांसेस एकदम कम हो जाए, बिल्कुल ही ना हो, तो उसके लिए तो एक सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, एक वीजा एक्सपर्ट से अपना वीजा लगवाओगे ना, आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। इस बात को आप मानो या नहीं मानो, काफी लोग हमारे पास इतने आते हैं, बिलीव नहीं करोगे, योगेश भाई हमने खुद से ट्राई किया कनाडा का वीजा लगाने का, रिजेक्ट हो गया। 100 में से एक जने का अप्रूव होता है अगर वो खुद से ट्राई करते। काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, माइनर पॉइंट्स होते हैं जो आपके माइंड से भी निकल जाते हैं, और ऐसा नहीं आप गलती करते हो, बट गलती हो जाती है। इसके लिए बोलता हूं एक वीजा एक्सपर्ट से अगर आप अपना वीजा लगवाते हो ना, तो आपका वीजा अप्रूव होता ही होता है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, और टॉप 3 में से जो लास्ट वाला है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वीडियो को आप पूरा देखिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको ट्रैवल रिलेटेड, वीजा रिलेटेड, पैकेज रिलेटेड एक से एक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और मेरा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा करना, बेटर करना। तो इसी बात पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, ये मैथ्यूज जी हैं और ये इनका बेटा है, इन दोनों का कनाडा वीजा आ चुका है, आपके सामने है। आप बोलते हो ना योगेश भाई कोई लाइव वीजा, लाइव प्रूफ दिखाओ, तभी तो हम आपकी बात पे विश्वास करेंगे। ये लो सर, अगर आपको इससे ज्यादा लाइव प्रूफ देखने ना, आप हमारे ऑफिस आ जाओ, मैं आपको इतने सारे प्रूफ दिखा दूंगा, इतने सारे वीजा दिखा दूंगा, जब आप देखोगे खुद आपको यकीन आ जाएगा। अब इनका वीजा मैंने क्यों दिखाया, इनका वीजा दिखाने का मकसद यही था कि मैथ्यूज जी का वीजा पहले हो चुका था रिजेक्ट, ठीक है, और ये हमारे पास आए, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। इनकी हमने क्या किया, हमने पूरी इनकी केस स्टडी पढ़ी, हमने इनकी फाइल को एसेस किया, हमारी टीम ने इनके साथ बैठा, इनके साथ 1-2 घंटे निकाले, समझा कि इन्होंने कहां पे क्या मिस्टेक करी थी, पूरा एनालाइज किया, उसके बाद हमारी टीम ने इनका वीजा लगाया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये फायदा होता है एक वीजा एक्सपर्ट का, एक ट्रैवल एक्सपर्ट का, जब वो आपकी फाइल बनाता है। तो अब मैं आता हूं टॉप 3 रीजन की, किन रीजंस की वजह से आपका कनाडा का वीजा रिजेक्ट हो सकता है, जिनका आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला रीजन तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। देखो चाहे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप यूएई से अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर आप ऐसा सोच के चलते हो कि यार कोई बात नहीं, मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट तो नहीं है, कोई बात नहीं मैं लगा देता हूँ, तो दोस्त आपका वीजा रिजेक्ट ही होगा ना। तो दोस्त आप अपने पैसों को क्यों बर्बाद कर रहे हो, आपका वीजा तो रिजेक्ट होगा ही होगा, आप जो एम्बेसी फीस पे करोगे वो भी रिफंड नहीं होती, वो भी आपकी चली जाएगी, तो इतना क्यों, आपको पैसा वेस्ट क्यों करना है मेरे दोस्त, क्यों? मैं ये जस्ट आपसे क्यों इसके लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखे हैं काफी एग्जांपल्स हमारे सामने आए थे कि यार क्या हो गया योगेश भाई, बैंक स्टेटमेंट ही तो नहीं था हमने लगा दिया, क्या हो गया योगेश भाई एनओसी तो नहीं थी हमने लगा दिया, तो हुआ क्या, रिजेक्शन।
रिजेक्शन आ गया। तो अब जैसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं ना, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप कनाडा का वीजा लगाओगे ना, वो सेम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पासपोर्ट कॉपी, आप जिस कंट्री में रहते हो ना उसका वर्क परमिट या वर्क रेसिडेंस, या फिर एग्जांपल यूएई में हो तो इमिरेट्स आईडी, इंडिया में हो तो आधार कार्ड, तो यहाँ वहाँ की रेसिडेंस परमिट की एक आईडी होती है वो। उसके बाद 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हर जगह से आपको चाहिए चाहिए रहता है। उसके बाद एनओसी फ्रॉम द कंपनी चाहिए रहता है, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो एनओसी। सपोज आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आपका इंडिया से जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है, आपका एमएसएमई लगता है, यूएई से आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर लगता है, आपका ट्रेड लाइसेंस लगता है। अगर आप यूके में हो या फिर यूएस में हो या फिर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मनी में हो, तो वहां पे आपका बिजनेस है तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी इसमें लगते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट तो लगते ही लगते हैं ना, क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट कनाडा का वीजा लगाते टाइम आपसे वो मांगते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपको हमको देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो ऑफकोर्स ही बात है आपका वीजा रिजेक्ट ही होगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहला पॉइंट, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है तो उसमें तो हम भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। सीधी सिंपल सी बात है, आपको मार्केट में ऐसे हजारों एजेंट मिल जाएंगे जो आपको ये भी बोलेंगे कोई बात नहीं आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है हम लगा देंगे। तो वो लगा तो देंगे बट रिजल्ट क्या होगा? रिजेक्शन। आप क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो? डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्रॉपर एंड कंप्लीट। ये होता है सबसे पहला रीजन आपका कनाडा वीजा रिजेक्ट होने का। दूसरा रीजन और एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है आपके कनाडा वीजा रिजेक्ट होने का, वो होता है आपका इनसफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट। अब यार देखो, आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो, आप कनाडा जाने की सोच रहे हो, सपोज आप अकेले भी जा रहे हो, ठीक है, तो आप अकेले जा रहे हो, आपके अकाउंट में बैलेंस कम है, तो आप खुद सोचो कैसे आप ट्रैवल करोगे, कैसे आप फ्लाइट बुक करोगे, कैसे आप होटल बुक करोगे, कैसे आप वहां पे अपना डे टू डे एक्सपेंस करोगे, कैसे आप वहां की जो डे टू डे रूटीन लाइफ होती है कैसे आप रहोगे वहां पे। ओवरऑल ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आप खुद से पूछो, वीजा तो बात की बात है, खुद से आप पूछो, नहीं कर पाओगे राइट? तो जब आपको ही पता है आप नहीं कर पाओगे, एक्सपेंस बियर नहीं कर पाओगे, तो सीधी सिंपल सी बात है, जब आप खुद को पता है तो आप वीजा मत लगाओ। आपके अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस होना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो अच्छा खासा होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सफिशियंट फंड होगा तभी आप अप्लाई करो, सफिशिएंट फंड नहीं है तो अप्लाई मत करो। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दे देने से काम नहीं चलेगा दोस्त, बैंक स्टेटमेंट में आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो भी मायने रखता है। आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएई में रहते हो, आप फैमिली को लेके कनाडा ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है 2-3 हजार दिरहम में काम हो जाएगा? नहीं होगा। 25-30-50 हजार दिरहम आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, आपको क्या लगता है 50,000-1,00,000 क्लोजिंग बैलेंस में आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा मेरे दोस्त। कम से कम 4-5-6 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। इतने नहीं है, वीजा लगाओगे तो वीजा रिजेक्ट ही होगा ना, आपका पैसा तो गया। आपकी एम्बेसी फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगी, आपका पैसा भी गया, टाइम भी गया, एनर्जी गई, सब गया। तो आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड होना चाहिए तभी आप अप्लाई करो, नहीं तो आप नहीं करो। ये मेरी आपको एक सजेशन है। तो ये एक वन ऑफ दी मेन रीजन होता है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है कनाडा का। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला था वो यही है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास सफिशिएंट फंड है, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, लेकिन ये पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया ना तो वीजा रिजेक्ट हो गई होगा। और ये पॉइंट को मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं क्या ही है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैवल हिस्ट्री। जी हाँ, कनाडा में जब आप सबमिशन करते हो ना, फॉर्म फिलअप करते हो, वहां पे प्रॉपर कनाडा की इमिग्रेशन जो वेबसाइट होती है वहां पे प्रॉपर वो लोग डिटेल मांगते हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का। जी हाँ, जब हम आपके फॉर्म फिलअप करते हैं, काफी लोग हम फॉर्म फिलअप करते हैं कनाडा के, तो जब वहां पे ऑप्शन आता है कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री वहां पे लिखनी पड़ती है, आपने प्रीवियसली कहाँ ट्रैवल किया है, कितने टाइम तक ट्रैवल किया है, कितने दिन वहां पे रहे हो, कब गए हो, कब वापस आए हो, ये प्रॉपर वहां पे डिटेल डालनी पड़ती है मेरे दोस्त। अगर आपने वो फॉर्म ब्लैंक छोड़ दिया ना तो समझ लो रिजेक्ट ही है। सीधी सिंपल सी बात है। और ये छोटा पॉइंट नहीं है, बड़ा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन ऑफिसर आपका देखता है कि आपने प्रीवियसली कहां पे ट्रैवल किया है, कितने दिन वहां पे रहे हो, कब वापस आए हो, हर एक चीज नोटिस की जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री का होना जरूरी होता है। और ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि चलो यार पास पास की कोई कंट्री में होके आ गए। नहीं भाई, प्रॉपर कंट्री होती है तभी आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल जापान चले जाओ, ठीक है, जापान का वीजा हमसे लगवा लो आप, जापान का पूरा पैकेज हमसे बनवा लो आप। सिंगापुर चले जाओ, सिंगापुर का पैकेज बनवा लो ना। मलेशिया चले जाओ, मलेशिया का पैकेज। इतने सारे हमारे वीजा ऑफर्स आते हैं, इतने सारे हमारे ट्रैवल हिस्ट्री ऑफर्स हमने निकाले हुए हैं,
इतने सारे हमने पैकेज ऑफर्स निकाले हुए, कोई सा भी पैकेज बुक करा लो, सस्ते से सस्ता होके आ जाओ और ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, फिर उसके बाद लगाओ कनाडा का वीजा कैसे अप्रूव नहीं होता है, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आपके फंड्स अच्छे खासे हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई, तो कौन आपका वीजा रिजेक्ट करेगा मेरे दोस्त, मुझे बता दो। कनाडा के टूरिस्ट वीजा का आई कैन प्राउडली से कि हमारी कंपनी का रेशियो मोर देन 95% है। 95% से ज्यादा हमारे कनाडा के विजिट वीजा अप्रूव होते हैं। अकीरा टूरिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, आप हमारे ऑफिस आ सकते हो दुबई में, इंडिया में हमारा ऑफिस है, कभी भी गूगल करके रिव्यूज चेक कर सकते हो, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैवल हिस्ट्री बना लो यार, कुछ नहीं जाता है। मैं आपको ऑफर दे सकता हूँ, बहुत प्यारी प्यारी डील है हमारे पास में, जापान सिंगापुर की डील ले लो दुबई से या इंडिया से, कहीं से भी बढ़िया सी कॉम्बो डील लेके हमसे और घूम के आ जाओ, 2 दिन चले जाओ, 3 दिन चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में कनाडा का वीजा लगाओ प्रॉपर वे में। इंडिया में तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने काफी एजेंट ऐसे भी देखे जो 10-10 20-20 लाख मांगते हैं आपसे टूरिस्ट वीजा को अप्रूव कराने में। अरे क्यों देने हैं आपको, क्यों देने हैं आप मुझे बताओ, क्यों देने हैं आपको, जब हम आपका काम सेम चीज इंडिया से 25,000 में हम अप्लाई करके देते हैं आपको कनाडा का टूरिस्ट वीजा, दुबई से हम आपको 1,200 में अप्लाई करके देते हैं, तो आपको ज्यादा क्यों देने। ये सारे डॉक्यूमेंट आप बनाओ, आपकी हम मदद करेंगे, कंसल्ट कर लो हमसे, नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, ऑफिस आ जाओ, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से अप्लाई करो, क्या दिक्कत है, क्यों किसी एजेंट को इतना बड़ा अमाउंट देना है यार, क्यों देना है। और उसका भी आपको पता नहीं कि अगर आपका वीजा आ भी गया, इमिग्रेशन में आपसे 2-4 सवाल पूछ लिए, वहां पे आपने गलत जवाब दे दिया, तो पैसे गए। तो दोस्त मेरी बस आपको यही सलाह है, आपने इनमें ध्यान दिया प्रॉपर तरीके से, और अगर आपको कंसल्ट भी करना है ना, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, ऑफिस आ जाओ, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, और हम आपको कनाडा का विजिट वीजा लगा के देंगे और फ्लाइट भी आपको बुक करके देंगे। तो दोस्तों ये थे 3 रीजन जिनकी वजह से आपका भी कनाडा वीजा रिजेक्ट हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काम का लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपका, एक अच्छा कमेंट मेरा दिन बना देगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऑफर्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।